नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज मंगलवार को 20वां दिन है। किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज दोपहर 3 बजे से किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी। इसमें 1 हफ्ते की रणनीति पर चर्चा होगी। इसी बीच सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रदर्शन का गलत इस्तेमाल कर किसानों को बहका रहे हैं। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। गडकरी ने कहा कि किसानों को तीनों कृषि कानूनों को समझना चाहिए। सरकार किसानों के लिए समर्पित है, उनके सभी सुझाव मानने को तैयार है। हमारी सरकार में उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी। इन कानूनों के बारे में बताएंगे और बातचीत से रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत नहीं होगी तो दोनों तरफ गलत बातें पहुंचेंगी, विवाद पैदा होगा और बहस बढ़ेगी। अगर बातचीत हुई तो इस मुद्दे को सुलझाया जा सकेगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, किसानों को इंसाफ मिलेगा, उन्हें राहत मिलेगी। हम किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल देश में 8 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। इसके बदले हम 2 लाख करोड़ रुपए की एथेनॉल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। मौजूदा समय में सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए का है। अगर यह 2 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है तो 1 लाख करोड़ रुपए किसानों की जेब में जाएंगे। वहीं गडकरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे किसानों के आंदोलन से जुड़ेंगे। हमने किसानों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। ये किसानों का हक है कि वे अपने उत्पादों को मंडी में बेचें, व्यापारियों को बेचें या कहीं और। दरअसल सोमवार को सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने सरकार से किसानों की मांगों को मानने को कहा था। उन्होंने सरकार से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें मंजूर करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। हजारे ने कहा था कि अगर सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो वे किसानों के समर्थन में अनशन करेंगे। बताते चले कि किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 20वें दिन भी किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.